नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कार्तिक मास के बारे में बात करेंगे और जो लोग पूरे साल सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर पाए, इस एक दिन जल अर्पित करते हैं तो उनको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की तरह ही कार्तिक मास का भी विशेष महत्व है। इस महीने में दान पुण्य पूजा पाठ और नदी में स्नान करने की मान्यता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कार्तिक का ये पवित्र महीना। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। बता दें कि कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माह होता है। माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से जीवन में किए गए पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को सुख शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में नहाने वाले जल में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पवित्र नदियों के स्नान जैसा फल मिलेगा। इस महीने में श्री हरि की पूजा करना और उनको सबसे प्रिय तुलसी की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में अगर आप तुलसी की मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो आपको विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। बस इतना ध्यान रखें कि जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उस तुलसी से आप मंजरी ना लें, दूसरी तुलसी से आप मंजरी लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप 108 तुलसी मंजरी लेते हैं और उनकी माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुलसी मंजरी की आपने 108 स्टिक्का लेनी है। हिंदू धर्म के अनुसार इस माह में पूजा करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी कार्तिक मास में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो आप कार्तिक माह में उनकी पूजा जरूर करें। कार्तिक माह में तुलसी पूजा करना और तुलसी के समक्ष दीपदान करना और स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी जल में वास करते हैं, इसलिए स्नान के बाद जल में दीपदान करना अति उत्तम बताया गया है। कार्तिक मास में जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त दीपदान करता है उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो लोग पूरे साल सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, तो इस कार्तिक मास में 2 दिन ऐसे होते हैं कि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको पूरे साल जल अर्पित करने का फल मिलता है। अगर आपने पूरे साल जल अर्पित नहीं किया तो आप इन 2 दिनों में जल अर्पित करते हैं तो पूरा साल जल अर्पित करने का फल आपको अवश्य मिलेगा। भगवान सूर्य देव को उगते सूर्य को जल अर्पित करना होता है। कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो शास्त्रों में 2 दिन ऐसे हैं, इन दिनों में उगते सूर्य को जल देते हैं तो आपका सूर्य बलवान होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना जाता है। कुंडली में सूर्य बलवान होने से व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान में जस में वृद्धि होती है। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं रहती है उन्हें कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देने का विधान है। वहीं पर सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को जल अर्पित करने का विधान है।
जो 60 पूजा व्रत करते हैं वो तो सूर्य देव की आराधना करते ही करते हैं, मगर जो 60 पूजा व्रत नहीं करते उन्हें भी सूर्य आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आप सप्तमी तिथि को सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। उसके बाद आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको उगते सूर्य के दर्शन हो जाएं, और आपने जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, रौली, अक्षत, पुष्प आदि डालकर उगते सूर्य को जल अर्पित करना है। ये उपाय आपने सप्तमी तिथि को यानी कि 11 तारीख को जल अर्पित करना है। ये कार्य आप 11 तारीख को अवश्य करें। जल अर्पित करने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। ये सूर्य देव का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।